नमस्कार, मैं इस वक्त बेतिया के GMCH फिफ्थ फ्लोर पे हूँ। आप देख सकते हैं एक वार्ड में एक हमारे साथ में एक 24 साल का एक लड़का जिनका नाम है सामे आलम, ये बेड पे पड़े हुए हैं और इनको कल रात का ये घटना है। मैं बता दूंगा, ये घटना अपने आप में मनी बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर प्रशासन 9:30 बजे की ये घटना है। और बता दूँ कि इनको करीब 16 से 17 चाकू की वार लगी हुई है इनके पीठ पर, और कुछ लड़कों ने तीन लोगों ने इनको घेर लिया 9:30 बजे यहाँ मीना बाजार जो निमिया माई स्थान है वहाँ पे। अब उस तरीके से वहाँ पे घेर करके इनको मारा गया और इनके साथ में लूटपाट की गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर प्रशासन कौन आदमी यहाँ सेब है। 20 साल में मीना बाजार जो बेतिया के मेन मार्केट है वहाँ पर आदमी जब सेब नहीं है तो कहाँ होगा। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं, कैसे घटना हुआ यही बताएंगे, इनकी जुबानी सुनते हैं। बताइए, नाम बताइए अपना। सामे आलम। कैसे हुआ ये घटना, किस तरीके से, आप कहाँ जा रहे थे कि आपको साथ ही हुआ? मैं घर पे जा रहा था, घर पे जाते जाते मेरे को घेर लिया रास्ते में और अटैक करना शुरू कर दिया। आपसे क्या बोला सब, वो कुछ सामान चाहिए? हाँ, मैं बोला बन की आपको जो चाहिए वो आप ले लो मेरे से, बन की मेरे साथ मार पिटाई मत करो। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मेरे साथ हाथ पिटाई करी और उसके बाद मोबाइल और बैग सब छीन के ले गए। जैसे कि आप सुन रहे थे पीड़िता, इन्होंने कहा कि जो तुमको चाहिए वो हमसे ले लो लेकिन हमें छोड़ दो। लेकिन उस हैवान जैसे आदमियों ने इनके साथ जो बर्बरता की है वो अपने आप में बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि 16 चाकू के वार लगे हैं करीब इनके, और इनकी हालत कैसा है अभी, डॉक्टरों ने क्या बताया अभी? आप कौन है इसके साथ में? मैं हूँ सर इनके साथ में। मैं आपको बता दूं, ये मुरादाबाद के रहने वाले ये शख्स हैं और ये यहाँ एलेंटिक ग्रुप में एक वर्कर, एक उससे क्या काम करते हैं, फोर सेलिंग का काम करने वाले एक आदमी हैं। और इन्होंने यहाँ पे काम कर रहा था और शादी वगैरह ब्याह के मौके से ये घर को जा रहे थे, सोचे कि हम मुरादाबाद यूपी जाएं अपने घर वालों में, तो रास्ते में इनके साथ ये घटना हुई। कैसे हुआ कुछ बताइए। जी सर, रात को करीब 9 बजे खाना खा के निकले इधर से और रास्ते में उधर घटना हुआ इनके साथ में। इनके साथ में कोई नहीं था? इनके साथ में एक और था, एक और आदमी कोई था साथ में। हाँ जी, आप लोग दो जन थे जी। तो कैसे हुआ उनके साथ में कुछ? उनके साथ में कुछ नहीं, वो भाग गए थे। तो भाग गए मतलब आपको छोड़ के भाग गए? जी। और वो जो हमलावर कितने थे? तीन हमलावर, तीन थे। और सवाल उठाता है कि हाँ प्रशासन किस तरीके से अब इस पर संज्ञान में ले रही है इसको। हम कहेंगे प्रशासन से, ये अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से जल्द इसमें FIR दर्ज कर। FIR हुआ है कि नहीं? नहीं आई थी अभी? नहीं अभी, अभी तक कोई FIR नहीं हुआ है, लेकिन इसमें FIR दर्ज कर दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैं कैमरामैन के कुतुबुद्दीन अंसारी के साथ, मैं तनवीर आलम।